हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सबको। सो आज यहाँ पे मैं, दादी और मामी दादी, हम लोग यहाँ से देवरिया रेलवे स्टेशन से कोलकाता जाने वाले हैं। और यहाँ पे सुबोध की गाड़ी से, मतलब सुबोध ने हमें ड्रॉप किया। और यहाँ पे ट्रेन नंबर जो है वो गलत होने के कारण, ये जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो आप देख सकते हो, तो हम लोगों को लगा कि वही हमारी ट्रेन है। हम लोग लेट हो चुके हैं, तो वो लोग सामान लेके S4 का जहाँ पे इंडिकेशन हो रहा था वहाँ पे वो लोग चले गए। तो जब मैंने, मतलब जब ये ट्रेन का नंबर जब देखा, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये हमारी ट्रेन नहीं है। तो फिर मैंने सुबांशु और सुबोध को वापस बुलाया और फिर S4 में हम लोग चढ़ गए। ठीक है, तो S4 में चढ़ने के बाद पता चला कि ये हमारा बोगी नहीं है। फिर हम लोग S5 में गए, वो वाला बोगी काफ़ी अच्छा था, ये वाला बोगी पुराना वाला है और काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था मुझे। सो अफसोस तो हुआ इस बोगी में आने का, और क्या करूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। फिर ट्रेन भी इतनी रुक रुक के जहाँ तहाँ चल रही थी, यहाँ किसी स्टेशन पे रुकी हुई है। सो यहाँ पे, मतलब इधर उधर मैं बस देख रहा था और चाह रहा था कि कैसे जो है मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, या दादी वादी भी इंतज़ार कर रही हैं। सो बस रास्ता जो था बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, और धूप भी उतनी थी, गर्मी भी उतनी ही थी। और धूप के कारण यहाँ पे मेरे अगल बगल यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब दो फैमिलीज थी जिनके एक के दो बच्चे और एक के एक बच्चे, तो वो लोग, मतलब बच्चे लोग इतना रो रहे थे यार कि गर्मी के कारण, कि फिर मामी दादी ने अपना खिड़की वाला सीट दिया उनको, यहाँ पे ये बच्चे हैं। और फिर उसके बाद से वो लोग, थोड़ा उनको आराम हुआ, और परेशान तो हम सब लोग हो ही गए थे गर्मी से। तो फिर जैसे ही रात बात हुई, हमने अपना सीट वेट उठाया और फिर मैंने अपना सीट जो है एक फैमिली से स्विच कर लिया, क्योंकि उनको बच्चे के साथ सोना था, तो वो लोग मिडिल बर्थ ले लिए। और फिर उसके बाद से सुबह 6 बजे से पहले 5:45 के अराउंड हम लोग कोलकाता स्टेशन पे पहुँचे। ओला हमने ट्राई किया, फिर ओला से कुछ दिक्कत आ रहा था, तो यहाँ पे हमने ऊबर ट्राई किया। और फिर सारा सामान वामान जो है वो ऊपर रखने के बाद, फिर मैं नीचे जा रहा था मामी दादी को ले आने, तो फिर एक पैसेंजर गिर गया वहाँ पे एक्सेलेरेटर पे। फिर उसके बाद से हमने ऊबर किया, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग ऊबर करके घर पे आ रहे थे। तो उस टाइम पे, मतलब ये सारी जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, ये सब सारे चीज़ें मैं देखते हुए आ रहा था। और सुबह का मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यार सुबह उठने के बाद, मतलब आदत है नहीं सुबह उठने की, सो ये आँख भी सूजा सूजा सा मेरा लग रहा था। और मैं चाह रहा था कि कैसे जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, और घर पहुँच के बैक से सो जाऊँ। सो यहाँ पे इस ट्रैफिक लाइट को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, और हर जगह पे यार रेड लाइट हमें मिलती जा रही थी। और जितना ही मैं चाह रहा था कि जल्दी घर पहुँचूँ, उतना ही हमें जो है वो लेट होता जा रहा था। पर ये था कि मौसम थोड़ा बढ़िया था, तो उसके वजह से इंतज़ार करना भी हल्का फुल्का, मतलब वैसा कुछ हार्ड नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग आगे आते गए, तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे माजरहाट ब्रिज पे, जो कि ब्रिज एक बार यहाँ पे किसी हादसे, मतलब ये जो है वो ब्रिज ही पूरा गिर गया था, जिसको कि फिर दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया। और दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये और भी ज़्यादा, मतलब सुंदर इसको फिर बना दिया गया। यहाँ पे जो ये पोल्स वगैरह दिख रही हैं, यहाँ पे आपको लाइटें वाइटें दिखेंगी रात को, काफ़ी खूबसूरत लगता है। हम लोग और थोड़ा अंधेरे में होते तो लाइटिंग जो है वो दिखती। फिर हम लोग करते करते फिर घर पहुँच गए तारा तल्ला के पास। और यहाँ पे सेंचुरी हाउस है, यहाँ पे रास्ते में इसके पीछे हम लोग का घर है। सो यहाँ पे सेंचुरी हाउस है, सेंचुरी प्लाई आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, यूज़ भी मतलब किया ही होगा। सो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ घर पहुँच गए, और घर पहुँचने के बाद सारा सामान वामान निकाला। फिर दादी और मामी दादी को भी फिर हमने, मतलब यहाँ पे जो है वो किया। सो फिर ये देखो हम लोग पहुँच गए घर पे, और पधारो मारो देश। सो ऐसे हम लोग घर पहुंच गए। फिर मैं निकल के ऐसे गया तालाब के पास थोड़ा बहुत घूमने उमने, और फिर घूमने उमने के बाद फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो फिर थकान के बाद हम लोग आए घर पे, और फिर वापस से मैं सो गया। सो बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। आप सबको राम राम।